हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, निकल के 2 घंटा हो गया है, ट्रैफिक बहुत है। पहुँच रहा हूँ बाबा, पहुँच रहा हूँ। हाँ, काम भी हो जाएगा। ठीक है, आता हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो यहाँ मौजूद हैं, कहाँ निकल गए? बस ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था। तो आजकल यही चला है मौलाना साहब कि हम रहेंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और, ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है। फ़ोन पे अक्सर झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं कि लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। रहते कहीं और हैं, बताते कहीं और कहाँ हैं, और पहुँचते कहीं और हैं। ऐसे काम जो मोहब्बत को कम कर देते हैं, हम ये जी चीज़ डेली लाइफ में कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि जो है ये आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है, यही सब चल रहा है, जैसा कि आपने कहा। जी तो क्या हम अपनी सच्चाई नहीं बता सकते? हमें झूठ बोलना ज़रूरी है अगर हम अपने रिलेशन में हैं? लाइक अगर हमारी वाइफ कॉल करती है तो हम सच क्यों नहीं बता पाते? क्या हमारे रिलेशन इतने कमज़ोर हैं कि हम सच नहीं बता पाते? बेसिकली हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आप पोटेंशियल एक रिस्क है कि हो सकता है कि जिस सामने वाला शख्स है वो हमसे नाराज़ हो जाए, तो हम इस तरीके की बातों का सहारा लेते हैं जिससे सामने वाले को एक उम्मीद दिलाते हैं कि हाँ, बस मैं पहुंचने वाला हूँ, ओके, मैं रास्ते में हूँ, ओ मैं यहाँ ट्रैफिक में फंस गया हूँ। बस इसके 10 मिनट जरिए दे दो, 5 मिनट दे हाँ, दो, और तो आजकल 10 मिनट जो है इनका 1 घंटा हो रहा है। जी, वो हमारे पास एक अच्छा बहाना है, ख़ास तौर पर मेट्रोपॉलिटन्स में, हाँ, कि ट्रैफिक बहुत था और रश बहुत था, मुझे लोकल नहीं मिली, मुझे ट्रैफिक में फंस गया, मैं आ नहीं सका। तो ये एक ट्रेंड होता जा रहा है, जैसा कि आपने भी और कहा। एकदम मॉडर्न ट्रेंड हो गया, और इतनी सफाई जी से झूठ बोलते हैं कि मानो एकदम सच बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये इसके साथ एक मसला ये होता है कि धीरे धीरे डे वन हो सकता है कि आपकी ये बात थोड़ा सा असरअंदाज हो जाए, लोग आपका इंतज़ार करें, 2 बार 3 बार 4 बार, जब ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा, एक ट्रेंड आपकी लाइफ का ये हो जाएगा, फिर बाद में कहेंगे अच्छा साजिद साहब, वो कहेंगे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, जी तो सब कहेंगे अच्छा साजिद साहब का 5 मिनट अब आज के ज़माने के 1 घंटे के बराबर होता है। राइट, वो धीमे धीमे जो है जी फैल फिर जाता है, और कोई अच्छा, दूसरा मसला ये कहाँ पर है और मुश्किल कहाँ पर आती है, वो ये है कि धीरे धीरे हमारी बात का एतबार ख़त्म हो जाता है लोगों से उठने लगता लोगों से, है। फिर लोग आपकी हाँ, बात को अहमियत भरोसा नहीं नहीं देते, देंगे, फिर ये वजह बनती है कि दोनों के दरमियान में फासले बढ़ने लगते हैं, चाहे वो मियाँ बीबी का रिश्ता हो, चाहे किसी का भी रिश्ता दोस्त हो। दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे फैमिली का रिश्ता हो। ये बात बहुत आपने अच्छी बताई कि जी ट्रस्ट इंसान खो देता है अगर बार बार झूठ बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो छोटे छोटे जो हम झूठ बोलते हैं ताकि हम कुछ देर के लिए सामने वाले को रोक सकें या उसको राज़ी रख सकें, तो हम इन छोटे छोटे झूठ के ज़रिए से शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम सामने वाले को खुश तो रख लेते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे छोटे जब से फायदे के लिए छोटे भी। से फ़ायदे के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये फ़ायदे फिर अब हमको दिखाई नहीं देते हैं, और ये वजह बनती है कि हमारे दरमियान में, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हों, चाहे कोई भी रिश्ता हो, इसमें फासला पैदा होने पैदा हो लगता है। जाता है। लेकिन जब से मोबाइल आया है, लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ गई हैं, कि जहां लोगों को जोड़ने का काम किया इस मोबाइल ने, वहीं दूरियां भी पैदा हो गई हैं। नाज़रीन, झूठ इतने कॉन्फिडेंस से ये मोबाइल के ज़रिए बोलते हैं कि शायद हम और आप सच इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे। मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन झूठ बहुत बुरी चीज़ है।